इस वीडियो के अंदर भी हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ही लेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के। इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड के केस किए थे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन, एक्वस AgNO3। अब इसके भी दो केस बनाएंगे। फर्स्ट हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या होंगे, Ag पॉजिटिव आयन होंगे प्लस NO3 नेगेटिव आयन होंगे, नाइट्रेट आयन प्लस होगा वाटर। सबसे पहले एनोड पे देख लेते हैं हम क्या प्रोसेस होनी है। एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, अनायन का और वाटर का। अनायन है हमारे पास NO3 नेगेटिव आयन, NO3 नेगेटिव आयन कांट ऑक्सीडाइज फर्दर बिकॉज इन NO3 नेगेटिव आयन नाइट्रोजन इन इट इज हाईएस्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन जो है वो अपनी हाईएस्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। जैसे सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, वैसे ही नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकता। तो नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, तो अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का। तो वाटर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और आपको पता है जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस प्लस आप में निकलेंगे एच पॉजिटिव आयन, 4H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। दो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 4 एच पॉजिटिव आयन और 4 इलेक्ट्रॉन, या मोल का मोल के साथ हम रिलेशनशिप कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हो जाएगी, वाटर का हो जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन, और क्या होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी एट एनोड। एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, pH <7 होगी। कैथोड पे देख लेते हैं, कैथोड पे रिडक्शन होना है। रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन होगा कटायन का या वाटर का। कटायन कौन है, Ag पॉजिटिव आयन। Ag पॉजिटिव आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू काफ़ी हाई है, इसकी SRP जो वैल्यू है वो है 0.8 वोल्ट। तो 0.8 वोल्ट है, और वाटर की SRP वैल्यू याद हो गई होगी अब तो, वाटर की SRP वैल्यू -0.83 वोल्ट। तो H2O का अगर रिडक्शन होता है तो गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या निकलते हैं साथ में, OH नेगेटिव आयंस निकलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। बट इसकी जो SRP वैल्यू है वो है -0.83 वोल्ट, ये प्लस है और ये माइनस है। तो Ag पॉजिटिव आयन की SRP वैल्यू काफ़ी हाई है, जिसके SRP वैल्यू ज़्यादा होती है उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, Ag पॉजिटिव आयन का रिडक्शन। कैथोड रोड जो होगी प्लैटिनम का रोड, वहाँ पर Ag पॉजिटिव आयन उसके साथ चिपकता चला जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होते जाएगी, कैथोड रोड का मास बढ़ता चला जाएगा। क्या क्या नेट प्रोसेस क्या क्या होनी है, दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं हम। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेट रिएक्शन हमारे पास क्या क्या आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे जो हो रही है, तो 2H2O प्लस 4Ag पॉजिटिव आयन टू फॉर्म 4Ag सॉलिड प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन। ये नेट रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी एक्वस AgNO3 का, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का हम जब यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या क्या होगा, Ag पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो डिक्रीज होती जाएगी, Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो Ag पॉजिटिव आयन पड़ा है वो क्या होगा, सिल्वर बनके कैथोड के ऊपर चिपकता चला जाएगा। तो Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाएगी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी, pH डिक्रीज होगी। pH डिक्रीज होगी तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, एसिडिक, यानी कि जो pH आएगी वो सॉल्यूशन की वो क्या आएगी, -7 आएगी। ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी कहाँ पर, एनोड पे, तो ये चेंजेस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम केस लेंगे सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज करके। अगर एक्वस AgNO3 की हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करके, अब सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो वहां पर क्या होगा, सिल्वर के इलेक्ट्रोड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब ऑक्सीडेशन होने की 3 पॉसिबिलिटी होंगी, एनोड के ऊपर 3 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है,
एक तो यही होगा कि NO3 नेगेटिव आयन, बट NO3 नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? वाटर का हो सकता है। और एक ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? सिल्वर इलेक्ट्रोड का भी तो हो सकता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड भी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब यहाँ पर दो रिएक्शन के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, ऑक्सीडेशन वाटर का भी हो सकता है और सिल्वर इलेक्ट्रोड का भी। तो अगर एक और प्रोसेस हम यहाँ पर लिख लेंगे, थर्ड प्रोसेस जो है सिल्वर का, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Az पॉजिटिव एंड प्लस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर जो एनोड का जो सिल्वर रोड है वो क्या होगा? Az पॉजिटिव एंड के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और इसकी जो SOP वैल्यू है, SOP वैल्यू होगी -0.8 वोल्ट, -0.8 वोल्ट है, जबकि वाटर की है -0.83 वोल्ट। तो इसकी SOP वैल्यू ज्यादा है, इसकी -0.8 वोल्ट है, उसकी -0.83 वोल्ट है। तो SOP किसकी? सिल्वर की ज्यादा है वाटर के कंपेयर में। तो ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा? सिल्वर का हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड का यूज करके। तो अब कैथोड के ऊपर तो यही दो प्रोसेस होनी है, और SRP किसकी ज्यादा है? Az पॉजिटिव आयन की SRP ज्यादा है, तो ये प्रोसेस हो जाएगी। कैथोड के ऊपर क्या होगा? जो सॉल्यूशन के अंदर जो Az पॉजिटिव आयन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, कैथोड रोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और कैथोड रोड के ऊपर चिपकते चले जाएंगे। बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा जो कॉपर सल्फेट का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड वाला हमने केस किया था। तो जो नेट दो रिएक्शन होंगी वो कौन कौन सी होंगी? बिल्कुल हमें सेम रिएक्शन दिखाई दे रही है, जस्ट रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे की दिखाई दे रही है। ये दो रिएक्शन होंगी हमारे पास, क्या होगा? एनोड का सिल्वर बना हुआ है और सिल्वर का बना हुआ है एनोड, और सिल्वर का ही क्या बना हुआ है? कैथोड। ये एजी पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, यहाँ जो सिल्वर है वो एजी पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा, और सोल्यूशन वाला एजी पॉजिटिव आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके क्या किस में कन्वर्ट होता रहेगा? एजी में। तो फिर से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? एजी प्लस एजी पॉजिटिव आयन, इधर भी क्या बनेगा? एजी पॉजिटिव आयन प्लस एजी, ये रिएक्शन आएगी नेट रिएक्शन। तो एनोड से सिल्वर निकलकर एजी पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, एनोड रोड जो होगी वो धीरे धीरे एजी पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में डिजोल्व होती रहेगी। तो एनोड का जो वेट होगा वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे लॉस होता जाएगा। कैथोड का जो सिल्वर बना हुआ है उसके ऊपर कैथोड सिल्वर चिपकता जाएगा, तो इसका मास क्या होता जाएगा? इंक्रीज। कैथोड रोड का मास धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, जबकि एजी पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी सोल्यूशन में? कॉन्स्टेंट। एजी पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। जितना सिल्वर एनोड से, सिल्वर मेटल एनोड से एजी पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आएगा, उतने ही एजी पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कैथोड के ऊपर रिड्यूस होते जाएंगे। तो जितनी कंसंट्रेशन का हमने स्टार्टिंग में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला था, लास्ट तक सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। और ये प्रोसेस भी कहाँ पर यूज करेंगे हम? इम्प्योर सिल्वर को प्योर सिल्वर में, इम्प्योर सिल्वर की रिफाइनिंग में, इम्प्योर सिल्वर को प्योर सिल्वर में कन्वर्ट करने के लिए। जो हमारे पास इम्प्योर सिल्वर का जो सैंपल होगा उसको हम कैथोड बना देंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट ही तो करना है हमें। और एक प्योर सिल्वर का टुकड़ा लेंगे हम, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके कैथोड बना देंगे, और एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन यहाँ पर इसमें डाल देंगे हम। तो जो इम्प्योर सिल्वर होगा उसमें जो सिल्वर एटम होगा वो Az पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सिल्वर सॉल्यूशन में घुल जाएगा, और Az पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाके वहां पर रिड्यूस होता जाएगा। तो सारा का सारा जो सिल्वर होगा वो क्या होगा? कैथोड सिल्वर के साथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जबकि जो इम्प्योरिटी होगी वो एनोड मड की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में रह जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही है, इम्प्योर सिल्वर से प्योर सिल्वर कैसे ऑब्टेन करते हैं हम। इसी तरह से हम जैसे कि निकल का भी कर सकते हैं, निकल नाइट्रेट ले लिया, या हमने निकल सल्फेट ले लिया। अब निकल सल्फेट ले लिया, निकल का इलेक्ट्रोड ले यूज करोगे या फिर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करोगे? सेम यही केसेस आएंगे। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो वहां पर क्या होगा? सल्फेट आयन का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडेशन वाटर का हो जाएगा एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन किसका हो जाएगा? नाइट्रो पॉजिटिव आयन का, क्योंकि नाइट्रो पॉजिटिव आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाटर से ज्यादा होती है। और अगर हमें प्यूरिफाई करना हो निकल के हो तो हम वहां पर निकल का ही इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट है। अब और रिजल्ट हम लेंगे वाटर के, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस किस लिए की जाती है? हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करने के लिए। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन और प्योर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन करने के लिए हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, बट यू नो द प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज प्योर वाटर इज अ वेरी 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 पुअर इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ 10^-4 मोल ही आयनाइज होते हैं, 10^-4 मोल ही आयनाइज होंगे एक मोल में से। तो ये कह लीजिए कि प्योर वाटर के पास तो आयन है ही नहीं, और आयंस की वजह से ही सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए कभी भी प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं की जाती। उसमें से थोड़ा सा क्या किया जाता है, एक्सट्रोसोफोर डाल दिया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कह लो या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी वेरी डायल्यूट कॉपर डायल्यूट एक्सट्रोसोफोर सोल्यूशन, वेरी वेरी डायल्यूट एक्सट्रोसोफोर सोल्यूशन, मतलब वहाँ पर एक्सट्रोसोफोर की हमने कुछ ड्रॉप्स ही डाल रखी हैं। एक्सट्रोसोफोर के ड्रॉप्स इसलिए डाले हैं ताकि वहाँ पर क्या होंगे, आयंस हो जाए सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, डाइल्यूट एक्सट्रोसोफोर की इलेक्ट्रोलाइसिस या वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस, एक ही बात है। क्या क्या प्रोडक्ट होंगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और डाइल्यूट एक्सट्रोसोफोर सोल्यूशन। प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती क्योंकि प्योर वाटर के पास फ्री आयंस नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत उसमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रोसोफोर की कुछ ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं। तो अगर हम ये कहें कि वेरी डायल्यूट एक्सट्रोसोफोर की इलेक्ट्रोलाइसिस या वाटर की, तो ये सेम बात ही रहेगी, एक्सट्रोसोफोर की बहुत कम अमाउंट वहाँ पर पड़ी हुई है, तो इतनी कम अमाउंट है कि वहाँ पर पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन को हमें कंसिडर नहीं करना। तो हम ये मान के चलेंगे कि वाटर ही पड़ा है, ऑक्सीडेशन एनोड पर वाटर का ही होना है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन भी वाटर का ही होना है। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का ही होगा। एक्सट्रोसोफोर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने यूज़ किया है। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी प्लस साथ में निकलेंगे 4 एच पॉजिटिव आयन, प्लस साथ में क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन। दो वाटर मॉलिक्यूल का जब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस 4 एच पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। या ये कह लीजिए कि व्हेन 2 मोल वाटर अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड देन 1 मोल ऑक्सीजन गैस, अगर एसटीपी कंडीशन लगा दें तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम 2 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड के ऊपर कितने लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी, 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिल रही है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस यानी कि 22.4 लीटर एट एसटीपी विल ऑब्टेन एज पॉजिटिव। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन भी किसका होना है, वाटर का ही होना है। तो कैथोड के ऊपर वाटर का जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, रिजल्ट आपको याद रखने हैं, प्लस साथ में निकलेंगे OH नेगेटिव आयन। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गई, ये बैलेंस होगी। इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा। अब यहाँ पर दोनों रिएक्शन को नेट जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, इसको इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2H2O यहाँ है और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4H2O 6H2O हो जाएंगे, यहाँ पर 6H2O हो जाएंगे इस साइड, वहां पर क्या हो जाएगा, O2 प्लस 2H2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन एंड 4OH नेगेटिव आयन, 4H पॉजिटिव आयन और 4OH नेगेटिव आयन को 4H2O भी बोल सकते हो तुम, 4H पॉजिटिव और 4H नेगेटिव आयन मिलकर क्या बना लेंगे 4H2O, तो 4H2O से 4H2O यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इस प्रोसेस को हम ये लिख सकते हैं कि 2H2O जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, O2 प्लस 2H2, यानी कि एक तो ऑक्सीजन गैस बनेगी और एक साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। व्हेन वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस देन ऑक्सीजन गैस लिबरेट एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट एट कैथोड। ऑक्सीजन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कैथोड पे लिबरेट आउट होगी। सॉल्यूशन जो वाटर होगा वो न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव दोनों लिबरेट हो रहे हैं जो वाटर बना रहे हैं, तो पीएच 7 ही रहेगी, पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑक्सीजन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे लिबरेट आउट हो जाएगी। अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम का क्या रहेगा, जो मॉलिक्यूल का जो रिलेशनशिप होता है वही वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इनके मॉलिक्यूल का रेशियो 1:2 है, तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या रहेगा, 1:2 ही रहेगा। अगर हाइड्रोजन गैस 2 लीटर बनेगी तो ऑक्सीजन गैस क्या बनेगी, 1 लीटर बनेगी, तो
ये हमारे पास क्या है, डाइल्यूट अच2SO4 या वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट, नेट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अगर तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि राइट द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, देन यू हैव आल्सो राइट द रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड एंड एनोड सेम एज आई हैव राइट। जैसे मैं लिखती हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको ये रिएक्शन भी लिखनी पड़ेंगी जब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट वो तुमसे पूछेगा, बट आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट जो होंगे ये नेट रिएक्शन लिखने के लिए पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखनी है कैथोड और एनोड के ऊपर, फिर उसको जोड़ के लिखना है। उसके बाद हम लेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 की, तो क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। इससे पहले हमने डाइल्यूट H2SO4 क्या था, कंसनट्रेटेड H2SO4। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा, अगर वहाँ पर वाटर पूरी तरह से इसको नहीं मिलेगा तो ये हाफ आयनाइज होगा, पूरी तरह से पार्शियल आयनाइज होगा। एक बार में H2SO4 पता है आपको, एक H पॉजिटिव रिलीज करता है और H2SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 है तो यहाँ पर इसका आयनाइजेशन क्या होगा, किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H पॉजिटिव आयन एंड H2SO4 नेगेटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कैथोड के ऊपर, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, हाफ हाइड्रोजन गैस, ये कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड पे। H2SO4 नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड द एनोड, तो एनोड के ऊपर जाके ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज H2SO4 नेगेटिव आयन। H2SO4 नेगेटिव आयन एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दो H2SO4 नेगेटिव आयन जो होंगे वो क्या होंगे, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो H2SO4 जो स्पीसीज है ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के पास वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल स्पीसीज बन गई है, ऑक्सीजन के पास वाले सेल में क्या 7 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगी ये, तो इसीलिए क्या होंगे, ये जो दो मॉलिक्यूल होंगे ये डाइमराइज कर जाएंगे, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल बनेंगे जो डाइमराइज कर जाएंगे, तो बन जाएगा H2H2O8 H2H2O8 बन जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉस। इसी को क्या बोलते हैं, परोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी का कॉमन नेम है मार्शल एसिड, परोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड बनेगा ये H2H2O8। अब इस H2H2O8 को हम बाहर निकाल कर अगर इसका डाइल्यूशन कर दे, इसमें वाटर डाल दे, H2H2O8 में वाटर डाल दे हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक तो H2SO4 में और एक H2SO5 में, H2SO4 बनेगा और H2SO5 बनेगा, H2H2O8 डाइल्यूशन करने के बाद H2SO4 और H2SO5। H2SO5 को हम बोलते हैं पैरो एसिड या परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, वो परोक्सीडाई है, ये क्या है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक, और इसी को कैरो एसिड भी बोलते हैं। H2SO5 अगर H2SO5 को हम बाहर निकाल के इसमें वाटर डाल दें, H2SO5 के अंदर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, तो यहां पर एक तो बन जाएगा H2SO4 और एक साथ में बन जाएगा H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड, क्या बन गया, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड। 11th क्लास में आपने हाइड्रोजन परोक्साइड का इंडस्ट्रियल मेथड देखा होगा, इंडस्ट्रीज के अंदर हाइड्रोजन परोक्साइड गैस को इसी मेथड से बनाया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस करके। कंसनट्रेटेड H2SO4 की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो जो H2SO4 नेगेटिव आयन होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और वहां पर दो H2SO4 नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होके H2SO4 स्पीसीज बना लेंगे जो कि अनस्टेबल होने की वजह से डाइमराइज कर जाएंगी, और यहाँ पर बनेगा परोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड। परोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो डाइल्यूशन टू फॉर्म H2SO4 एंड H2SO5। H2SO5 इज नोन एज परोक्सीसल्फ्यूरिक एसिड और कैरो एसिड। व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर देन इट फॉर्म इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अक्वस एनेसियल सॉल्यूशन। अक्वस एनेसियल सॉल्यूशन हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल रखा है, तो हमारे पास क्या क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन होगा, प्लस Cl नेगेटिव आयन होगा, प्लस हमारे पास होगा वाटर। एनोड पे क्या क्या प्रोसेस होगी, एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या तो Cl नेगेटिव आयन का होगा या वाटर का होगा। जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सीजन गैस प्लस 4 H पॉजिटिव आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 H2O
ये हो जाएगा एसओपी वैल्यू कितनी है वाटर की, -1.23 वोल्ट। दूसरा हमारे पास है सीएल नेगेटिव आयन, सीएल नेगेटिव आयन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, हाफ सीएल टू गैस में, प्लस क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। सीएल नेगेटिव आयन की जो एसओपी वैल्यू है वो वाटर से थोड़ी कम है, -1.30 वोल्ट होती है, थोड़ी कम है एसओपी वैल्यू सीएल नेगेटिव आयन की। अब तक हमने ये पढ़े थे कि जिसकी एसओपी वैल्यू ज़्यादा होगी एनोड पे वही प्रोसेस होगी, और एसओपी वैल्यू किसकी ज़्यादा, वाटर की, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, वाटर की एसओपी है -1.23 वोल्ट और क्लोरीन की है सीएल नेगेटिव आयन की एसओपी वैल्यू है -1.30। तो अगर एसओपी वैल्यू हम देखें तो हमारे पास प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए, वाटर का होना चाहिए ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन केस है, ये याद रखना है कि वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, सीएल नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होता है और क्लोरीन गैस मिलेगी। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होता तो कौन सी गैस मिलती, ऑक्सीजन गैस। बट वाटर का ऑक्सीडेशन यहाँ नहीं होगा, इवन एसओपी वैल्यू ऑफ वाटर इज हायर देन द एसओपी ऑफ सीएल नेगेटिव आयन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सीएल नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन गैस मिलेगी जब हम एक्वस एनएसीएल की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, एक्वस एनएसीएल की इलेक्ट्रोलाइसिस जब होती है तो हम इसको क्लोरोअल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोरोअल्कली, क्योंकि क्लोरीन गैस मिलती है वहाँ पर। अब इसका कारण क्या हो गया, एसओपी वैल्यू इसकी ज़्यादा थी तो इसका होना चाहिए था, बट यहाँ पर वाटर की जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। ऑक्सीडेशन तो वाटर का ही होना चाहिए था लेकिन काफ़ी स्लो है, द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इंडस्ट्रीज का एक रूल है कि प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा होना चाहिए, यील्ड बेसिक कम हो जाए, रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो वाटर की ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफ़ी स्लो है, तो इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, अब जो कोई स्लो प्रोसेस है तो उसको फास्ट बनाने का एक ही तरीका है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा पोटेंशियल देंगे हम। अब ज़्यादा पोटेंशियल दोगे तुम, तो ज़्यादा पोटेंशियल दोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एनोड जो रोड है उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो सीएल नेगेटिव आयन की जो एनोड रोड की तरफ जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। वाटर की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए क्या कर दिया, एक्स्ट्रा वोल्टेज, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा दी, जिसकी वजह से एनोड रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब एनोड रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो सीएल नेगेटिव आयन की मूवमेंट बढ़ जाएगी और सीएल नेगेटिव आयन फिर वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेफरेंसली पहले वाटर से पहले ही क्या होगा, सीएल नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इसी की वजह से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ी, जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज थी उससे जो एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पर देनी पड़ी उसी को क्या बोलते हैं, बबल वोल्टेज। तो कुछ कई बार ये आ जाते हैं, सीएल नेगेटिव आयन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेट व्हाइल द एसओपी वैल्यू ऑफ सीएल नेगेटिव आयन इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, इट इज ड्यू टू बबल वोल्टेज। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ी रिक्वायर्ड वोल्टेज के कंपेरिजन में उसको क्या बोलते हैं, बबल वोल्टेज। तो ये क्या बोल देते कई बार, इट इज हैपन ड्यू टू बबल वोल्टेज। रीजन क्लियर हो गया, तो क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पे। अब कैथोड पे चलते हैं, कैथोड पे होना है रिडक्शन, तो रिडक्शन होने के लिए अन्य पॉजिटिव आयन है, अन्य पॉजिटिव आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू तो काफ़ी लो है, इसकी जो एसआरपी वैल्यू है वो कितनी है, -2.67 वोल्ट, बहुत ही लो होती है। जबकि वाटर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, वाटर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, वाटर का जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन, दो इलेक्ट्रॉन, दो H2O का। और इसकी जो एसआरपी वैल्यू है, याद भी होगी अभी आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, -0.83 वोल्ट। तो एसआरपी वैल्यू काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर का होगा रिडक्शन कैथोड के ऊपर। बार बार बता चुकी हूँ कि जो रिएक्टिव मेटल है जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होगी उन मेटल को उनके एक्वा सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो क्या हम एक्वस एनएसीएल की इलेक्ट्रोलाइसिस करके वहाँ से सोडियम मेटल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, एसआरपी वैल्यू लो है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। तो एनएसीएल में से सोडियम मेटल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, मोल्टन एनएसीएल की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। और एनएसीएल जो है वो एनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1150 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इतने टेम्परेचर के ऊपर सोडियम मेटल का, यही सोडियम मेटल का बॉइलिंग पॉइंट भी है। तो अगर तुम 1150 केल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोगे एनएसीएल को मेल्ट करने के लिए,
तो वहां पर सोडियम मेटल तो मिल जाएगी, बट सोडियम मेटल बनते ही क्या होगी, बॉयल हो जाएगी, वो अपरेट हो जाएगी। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर कैसे अरेंज किया जाता है, क्या कुछ करना पड़ता है वहां पर, साथ में इंप्योरिटी डालनी पड़ती है मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए, ये सब पढ़ चुके हो तुम। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रिजल्ट देख लेते हैं क्या क्या हुए। नेट दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं, तो इसको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 2Cl नेगेटिव प्लस 2H2O, इससे क्या बन जाएगा H2 प्लस 2OH नेगेटिव आयन प्लस क्लोरीन गैस। ये प्रोडक्ट होंगे एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस के। हाइड्रोजन गैस लिब्रेट एट कैथोड, क्लोरीन गैस लिब्रेट एट एनोड एंड OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज। As the OH negative ion concentration increase, OH negative ion concentration increase, the pH, pOH decrease, ये increase होगी तो pOH क्या हो जाएगी, decrease, तो pH क्या हो जाएगी, increase, यानी कि solution क्या होता जाएगा, कैसा होता जाएगा, basic, starting में तो neutral होगा NaCl, aqueous NaCl neutral होगा, लेकिन electrolysis करने के बाद कैसा होता जाएगा, basic होता जाएगा, यानी कि जो pH होगी solution की वो more than 7 हो जाएगी। और ये OH नेगेटिव आयन और सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, अन्य पॉजिटिव आयन पड़ा है सॉल्यूशन में, अन्य पॉजिटिव आयन पड़ा है और साथ में क्या बनता जा रहा है OH नेगेटिव आयन, तो अन्य पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन क्या बना लेते हैं, अन्य OH, इसी को क्या बोलते हैं कास्टिंग, कास्टिक सोडा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन, इसी को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज क्लोरीन गैस इज ऑब्टेंड एंड अल्कली, NaOH इज अल्कलाइन सब्सटेंस, सो अल्कली ऑब्टेंड एंड क्लोरीन गैस इज ऑब्टेंड, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड NaOH। तो एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस किस लिए की जाती है, कास्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए। इसके साइड प्रोडक्ट क्या क्या हुए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो होंगे वो उसके क्या हुए, साइड प्रोडक्ट हुए। ये थे हमारे पास कुछ सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।